हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज जो एनआरके वर्सेस मदुरई के बीच में सेकंड प्लेऑफ मैच खेला जाएगा तमिलनाडु प्रीमियर लीग का, इसका इन डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे एनआरके वर्सेस मदुरई को, दोनों की दोनों स्ट्रांग टीमें, और जो टीएनपीएल का अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे ना, तो उसमें 3 नंबर और 4 नंबर इनकी पोजिशंस रही है। तो इन्होंने लगभग इक्वल सी आपको स्ट्रांग टीमें दिखाई देंगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहाँ पर एक स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम्स क्रिएट करेंगे। हर एक प्लेयर को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे, उसका रिसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, और उसके बेसिस पे हम अपनी टीम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर इसे लाइक करके स्टार्ट करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। देखिए, ये जो मैच है इसकी फाइनल टीम आपको मिलेगी कहाँ पर? तो ये मिलेगी आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। परफेक्ट लाइनअप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल में अभी इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो आपको परफेक्ट लाइनअप का यूज़ करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टीम क्रिएट कर सकते हो अपनी। आपको जो भी डेटा चाहिए होता है एक अच्छा टीम क्रिएट करने के लिए, वो आपको सब परफेक्ट लाइनअप पर मिल जाता है। तो चलिए हम इस एनालिसिस में यहाँ पर आगे बढ़ते। तो पहले तो हम इनवाइंट पिच रिपोर्ट देख लेंगे इस मैच का, ये होगा कहाँ पे। तो देखो, मैच यहाँ पर होने वाला है एससीएफ क्रिकेट ग्राउंड पे। तो आमतौर पे अगर आप यहाँ का पिच रिपोर्ट देखोगे ना, तो आपको न्यूट्रल सा दिखाई देगा। बैटिंग बॉलिंग को यहाँ पर लगभग इक्वली सपोर्ट होता है। अगर आप रेशियो कंपेयर करोगे बैटिंग बॉलिंग का, तो आपके सामने है यहाँ पर बैट्समैन को स्लाइटली एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मान के चलिए न्यूट्रल वेन्यू। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का बैटिंग बॉलिंग का रेशियो देखोगे तो भी आपको न्यूट्रल दिखाई देगा, लेकिन चेजिंग में यहाँ पर बैट्समैन थोड़ा सा अच्छा करके जाते। अब फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो देखिए, 155 का यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है, और हर इनिंग में लगभग 6 विकेट के आसपास यहाँ पर गिर जाती है। थोड़ा नीचे चलते, पेसर स्पिनर्स का रेशियो आपको लगभग इक्वल दिखाई देगा, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग करती है उनका रेशियो भी आपको 50-50 दिखाई दे रहा है। यानी एक आइडियल न्यूट्रल वैल्यू हम जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी देखो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, पहले भी कुछ ऐसे प्लेयर है जो इस वेन्यू पे खेलते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन रह चुके हैं। तो इसमें कौन कौन से प्लेयर्स का नाम आपको दिखाई दे रहा है? पी सराउनन, उसके बाद अजय कृष्णा, गुरुजपनीत सिंह, स्वप्निल सिंह और अरुण कार्तिक। तो ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो इस वेन्यू पे पहले भी कैप्टन वाइस कैप्टन रह चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे टॉप प्लेयर्स ऑन दिस वेन्यू। तो देखिए, इस वेन्यू पे बैटिंग पॉइंट्स से अरुण कार्तिक, इनका 146 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का नाम आता है, इनका इस वेन्यू पे 34 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है बैटिंग से। और आर ईश्वरन, इनका 29 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। अब बॉलिंग से कुछ टॉप प्लेयर्स देख लेते हैं जो इस वेन्यू पे अच्छा करके गए हैं। तो इसमें पहला नाम आपको एम पोया मोजी का दिखाई देगा, इनका इस वेन्यू पे 81 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। मुरुगन अश्विन 63, गुरुजपनीत सिंह 59, लक्ष्य जैन 54, उसके बाद अजय कृष्णा 53, पी सराउनन 49, और संदीप वॉरियर का यहाँ पर 43 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। तो ये जो भी प्लेयर्स हैं जिनका फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप उन्हें अपनी टीम में यहाँ पर सीधा सीधा सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो स्टार वाला साइन है ना, इसे आपको ये कर लेना है। देखो, जब आप परफेक्ट लाइनअप पर किसी भी मैच को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि आपको चीज़ों को ध्यान में रखना नहीं होता। आप सीधे सीधे उस प्लेयर को वहीं पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने टीम में। तो आगे चल के जो प्लेयर से आपको मिल जाते, और उनसे आप एआई जनरेटेड टीम भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम ये देखेंगे कि आपको एक करना कैसे। फिलहाल हम यहाँ पर ये जो वेन्यू है इसके ऊपर रिसेंटली कुछ मैचेस हुई है वो देख लेते, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैच है किस दिशा में जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था मदुरई वर्सेस त्रिची के बीच में। तो क्या हुआ था इस मैच में? देखो, लो स्कोरिंग मैच था, और हम सब जानते हैं त्रिची की जो टीम थी वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब खेली है इस सीज़न, एक भी मैच वो इवन जीत नहीं पाई थी। तो इस कड़ी में भी ये मैच गया था, 105 पे ऑल आउट हो गई थी वो टीम। फिर मदुरई की जो टीम थी उन्होंने इस स्कोर को काफ़ी आसानी से चेस डाउन कर लिया था। आप देख सकते हो इस मैच में बॉलर्स इंपॉर्टेंट थे, और मदुरई यहाँ पर इस मैच में भी है, ठीक है। तो पिछला मैच ये जीत के आ रहे हैं, तो इनके पास एक एज रहेगा। उसके अलावा अगर आप उससे पहले एक मैच देखोगे आईटीटी वर्सेस डीडीजी के बीच में, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? देखो, एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बना था, 173 का टारगेट दिया था आईटीटी ने डीडीजी को, और डीडीजी ने उस स्कोर को चेस डाउन कर लिया था। सिर्फ 2 विकेट्स रहते उन्होंने स्कोर को चेस डाउन किया है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि चेजिंग यहाँ पर थोड़ी सी आसान होती है ना। तो ये बैटिंग फ्रेंडली मैच था, उससे पहले
साइलेंस स्पार्टन्स और एलकेके के बीच में एक मैच हुआ था, तो यहाँ पर साइलेंस स्पार्टन्स बहुत ही कमज़ोर टीम है, ये ध्यान में रखना है आपको। उन्होंने एलकेके की जो टीम थी उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बना दिए थे, फिर साइलेंस स्पार्टन्स की जो टीम थी उसे चेस्ट आउट नहीं कर पाए थे। रेशियो देखोगे आप तो आपको लगभग इक्वल दिखाई देगा। देखो विनवेंट पिच रिपोर्ट अगर हम सम अप करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, तो देखो एक न्यूट्रल सा वेन्यू मान के चलना है, दोनों टीमें स्ट्रांग है, तो आपको एक न्यूट्रल 150 से लेकर 170 के बीच में यहाँ पर स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा। प्लस यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग आप किसी को भी वेटेज मत देना, जो अच्छे प्लेयर है परफॉर्मेंस वाइज वो आपकी टीम में होने चाहिए। फिर भी कुछ टॉप प्लेयर्स हमने देखे थे वो आपके सामने हैं, उन्हें आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो अपने टीम में। अब दोनों टीम्स का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसकी तरफ हम चल लेते हैं, तो इसके लिए आपको परफेक्ट लाइनअप के टीम हेड टू हेड फीचर के ऊपर आना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों टीम्स का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसकी तरफ चल लेते, तो पहले तो हम जो एनआरके की टीम है इसका देख लेते। अब एनआरके की जो टीम है उनकी तरफ से ओपनिंग पेयर अगर आप देखोगे तो अरुण कार्तिक ओपन करेंगे लक्ष्मेशा सूर्यप्रकाश के साथ, वनडाउन आएंगे जियो जितेश, और आपको मिडल ऑर्डर में नीतीश राजगोपाल का नाम दिखाई देगा। अब देखिए पिछले मैच में हुआ क्या था, जो त्रिची की टीम थी उन्होंने 146 रन यहाँ पर टारगेट दिया था एनआरके की टीम को, लेकिन बारिश की वजह से जो मैच था यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था। फिर भी उन्होंने डेलेस मेथड से एनआरके ने इस मैच को जीत लिया था, और परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे तो जी अजितेश ने सिर्फ 29 बॉल्स में 56 रन बनाए थे, और नीतीश राजगोपाल ने यहाँ पर 21 बॉल्स में 35 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस रहा था पिछले मैच में। बॉलिंग से देख लेते इस टीम का, तो देखो बॉलिंग में संदीप औरियर, आर सोनू यादव, एम पुया मोजी, टी वीरामणि, लक्ष्य जैन, यस मोहन प्रसाद और यनेस हरीश, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। पूरे ओवर्स किसने कराए थे पिछले मैच में, संदीप औरियर, आर सोनू यादव और एम पुया मोजी, ये तीन बॉलर थे, इन्होंने अपने पूरे ओवर्स कराए थे। उसके अलावा विकेट वाइज देखोगे तो एम पुया मोजी को 2 विकेट्स मिली थी, और संदीप औरियर, आर सोनू यादव, यस मोहन प्रसाद और यनेस हरीश, ये चारों एक एक विकेट यहाँ पर निकाल के गए थे। तो ये कुछ यहाँ पर इनका बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्मेंस रहा था नेलई रॉयल किंग्स का, एनआरके का। अब हम सेकेंड टीम है उनकी तरफ चल लेते, तो देखो मदुरई की जो टीम थी उनका पिछला मैच का अगर आप देखोगे ना तो यस लोकेश्वर ने ओपन किया था सी हरी निशांत के साथ, वन डाउन आए थे वी आदित्य, मिडल ऑर्डर में आपको स्वप्निल सिंह, जगदीशन कौशिक, यस श्री अभिषेक और पी सरावनन का नाम दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर बैटिंग वाइज परफॉर्मेंस देखोगे आप तो यस लोकेश्वर ने 44 रन बनाए थे सिर्फ 37 बॉल्स में, उसके बाद सी हरी निशांत 27 बॉल 34 रन, वी आदित्य 28 बॉल 37 रन, ठीक है। तो इनका यहाँ पर टॉप थ्री प्लेयर्स ने ही पूरी जो जिम्मा था वो संभाल लिया था, और काफ़ी अच्छा स्कोर मदुरई की टीम ने उस हिसाब से बना लिया था 160 का। बाकी नीचे अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मदुरई की टीम का बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब देखो गुरुजबनेस सिंह, बालू सूर्या, स्वप्निल सिंह, अजय कृष्णा, मुरुगन अश्विन और पी सरावनन, इनकी तरफ से यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे तो मुरुगन अश्विन, अजय कृष्णा, स्वप्निल सिंह और गुरुजपनीत सिंह, ये चार बॉलर ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे चार चार ओवर्स कराए थे, और बचे हुए दो ओवर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे पी सरावनन और बालू सूर्या के बीच में। देखो विकेट वाइज देखोगे तो पिछले मैच में अजय कृष्णा और गुरुजपनीत सिंह दोनों ने दो दो विकेट्स निकाली थी, और मुरुगन अश्विन और पी सरावनन को एक एक विकेट यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर हमने बॉलिंग ऑप्शंस देख लिए इस टीम के, हमने बैटिंग ऑर्डर भी देख लिया, तो अब आपको क्लियर है कि कौन से प्लेयर इस मैच में खेलेंगे। जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 का एक बेसिक ढांचा होता है वो आपके आंखों के सामने, तो अब सीधे सीधे हम चल देते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती है तो कौन से वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो आपके सामने निकल के आते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर टीम हेड टू हेड फीचर के टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के इसमें आ चुके हैं। तो इसमें देखो अरुण कार्तिक, यस निरंजन, यस मोहन प्रसाद, एन एस हरीश और सीहरी निशांत, यहाँ पर टॉप 5 प्लेयर्स है। ये तब निकल के आते जब एनआरके वर्सेस मदुरई आपस में भिड़ते हैं, तो इसमें अरुण कार्तिक का नाम तो आपको एक नंबर पे दिखाई देगा। देखो टोटल 2 मैचेस खेले हैं ये जो मदुरई की टीम है उसके खिलाफ, उसमें इन्होंने 232 फैंटेसी पॉइंट दिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है मदुरई की टीम के खिलाफ। वैसे ही यस निरंजन भी है 2 मैचेस 114 फैंटेसी पॉइंट्स, यस मोहन प्रसाद मदुरई के खिलाफ एक ही मैच खेले जिसमें 93 फैंटेसी पॉइंट देखे गए थे, यानी सरीश 91। और जो मदुरई की टीम है उनकी तरफ से एक ही ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर एनआरके के खिलाफ अच्छा करके गया है, वो है सी हरी निशांत, इन्होंने 86 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। और देखो पिछला जो मैच हुआ है एनआरके वर्सेस मदुरई के बीच में वो एनआरके ने जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से एनआरके को आप थोड़ा सा इसमें एज दे सकते हो एक तरीके से, क्योंकि पिछला मैच एनआरके ही जीत के आ रही है, लेकिन देखो दोनों टीमें वैसे स्ट्रांग है ना।
एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप फाइव प्लेयर्स हेड टू हेड हम देख रहे हैं। तो इसमें अरुण कार्तिक, इनका 116 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। यस मोहन प्रसाद 93, एन एस सरीश 91, सी हरी निशांत 86 और आर सोनू यादव 81। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स वाले प्लेयर है, इन्हें आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिलेक्ट भी कर लिया है कुछ प्लेयर्स को हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखते हुए। अब हम चलते हैं इस मैच में आपके लिए टॉप प्लेयर्स कौन से होने वाले अलग अलग बेसिस पे। तो इसके लिए आपको आना है चीट शीट के ऊपर। देखो इस मैच में टोटल फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप प्लेयर्स में आपको पहला नाम गुरुजपनीत सिंह का दिखाई देगा। लास्ट के 5 मैचेस में इन्होंने 326 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद स्वप्निल सिंह लास्ट 5 मैचेस 295 फैंटेसी पॉइंट्स, अजय कृष्णा लास्ट 4 मैचेस 264 फैंटेसी पॉइंट्स, अरुण कार्तिक लास्ट 5 मैचेस 244 फैंटेसी पॉइंट्स, पी सरावनन लास्ट 5 मैचेस 235 फैंटेसी पॉइंट्स। ठीक है, मुर्गन अश्विन 233, आर सोनू यादव 232, जय जितेश 230। अब ये जो 8 प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिसेंट फॉर्म वाइज आपके लिए टॉप प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो, यानी प्लेयर्स का फॉर्म काफ़ी अच्छा है उन प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो 8 प्लेयर है आपकी टीम में फिर होने चाहिए। थोड़ा नीचे चलते एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप प्लेयर्स आपके लिए इस मैच पे कौन से होंगे। तो पहला नाम आपको अजय कृष्णा का दिखाई देगा, लास्ट 4 मैचेस से 66 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज कैरी करते चल रहे हैं, यानी हर एक मैच में आपको मिनिमम 66 फैंटेसी पॉइंट्स तो देखे जाएंगे, तो ये भी मस्ट है कि आपके लिए। उसके बाद गुरुजपनीत सिंह 65 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज चल रहा है लास्ट के 5 मैचेस से। स्वप्निल सिंह 59 फैंटेसी पॉइंट्स, वी गौतम 52, अरुण कार्तिक 48, पी सरावनन 47, मुर्गन अश्विन 46, आर सोनू यादव 46। ठीक है, तो ये वो 8 प्लेयर है जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज लेके चल रहे हैं। और जो भी प्लेयर आपको 50 के ऊपर फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज देके जा रहा है वो आपका कोर प्लेयर होगा स्मॉल लीग की टीम में, और ग्रैंड लीग में भी कोर प्लेयर होना चाहिए वो। बस आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में सब अनएक्सपेक्टेड ही चेंजेस आमतौर पर हम करते, लेकिन फिर भी आप ग्रैंड लीग सेफ तरीके से खेलना चाहते हो तो आप कोर टीम जो है वो सेम रखो, रोटेशंस आपको जो इनकन्सिस्टेंट प्लेयर्स हैं उनके बीच में करनी है। थोड़ा नीचे चलते अब देखो पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप, यानी कंसिस्टेंसी वाइज कौन से टॉप प्लेयर्स आपके लिए इस मैच में होने वाले। गुरुजपनीत सिंह, स्वप्निल सिंह, पी सरावनन, आर सोनू यादव, अजय कृष्णा, अरुण कार्तिक, मुर्गन अश्विन और जी अजितेश, यहाँ पर ही टॉप प्लेयर्स आपके लिए होने वाले हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे ना, गुरुजपनीत सिंह लास्ट के 5 में से 5 मैचेस ड्रीम टीम में अपनी जगह बनाई, इन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद स्वप्निल सिंह, पी सरावनन और आर सोनू यादव, ये 3 प्लेयर्स लास्ट के 5 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजय कृष्णा, अरुण कार्तिक, मुर्गन अश्विन, जियो जितेश, देखो अब ये जो नाम है ना रिपीटेंस में आ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ अगले 3 बेसिस देखे थे, चौथा बेसिस है, तो इसमें भी ये ना आपको रिपीट रिपीट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो रिपीटेंस वाले प्लेयर्स हैं ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। तो चलते अब एनआरके की जो टीम, इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स वही नाम दिखाई दे रहे होंगे आपको, अरुण कार्तिक, आर सोनू यादव, जियो जितेश, नीतीश राजगोपाल और एम्पोया मोदी, ये पहले भी आ चुके हैं हमारी नज़र में। उसके बाद मदुरई की तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स में अजय कृष्णा, गुरुजपनीत सिंह, स्वप्निल सिंह, वी गौतम और पी सरावनन का नाम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चिट शीट थी हमारी जो हमने देखी। अब सीधे सीधे चलते विकेट कीपिंग सेक्शन में। अब देखो यहाँ पर अगर आप प्रेफरेंस करोगे कौन से प्लेयर को आपको प्रीफर करना है, तो पहला नाम तो आपको अरुण कार्तिक का दिखाई देगा, सेकंड नंबर पे जय जितेश आ रहे हैं, फिर एस लोकेश्वर, इन तीनों का फॉर्म आपको अच्छा दिखाई देगा, आप तीनों के साथ भी जा सकते हो या फिर किसी दो को ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन में टॉप प्लेयर्स में पहला नाम आपको नीतीश राजगोपाल का दिखाई देगा, उसके बाद सी हरी निशांत, उसके बाद वी आदित्य। यस सूर्य प्रकाश पिछले मैच में ओपन करने आए थे लेकिन चांसेस कम रहेंगे इनके ओपन करने की इस मैच में, और यस श्री अभिषेक। ऑलराउंडर सेक्शन देखोगे, स्वप्निल सिंह, आर सोनू यादव, वॉशिंगटन सुंदर, ये आपके लिए टॉप 3 ऑलराउंडर्स इस मैच में होने वाले। बॉलिंग सेक्शन देख लेते एक बार, अजय कृष्णा, गुरुजपनीत सिंह, वी गौतम, पी सरावनन और मुर्गन अश्विन, ये आपके लिए इस मैच में टॉप बॉलर्स होने वाले। ठीक है, हमने यहाँ पर अलग अलग बेसिस पे टॉप प्लेयर्स देख ले जो इस मैच में आपके लिए होने वाले। अब हम चलते प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। देखो प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर आपको करना है तो आ जाना है पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर, यहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में हर एक प्लेयर को देख सकते हो। अब यहाँ पर प्लेयर्स को रैंक किया जाता है, जितना प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसे उतनी अच्छी रैंक यहाँ पर दी जाती है। तो रैंक वाइज टॉप प्लेयर्स में आपको आर सोनू यादव, गुरुजपनीत सिंह, एम पोया मोसी, जियो जितेश, अजय कृष्णा, अरुण कार्तिक, पी सरावनन, उसके बाद नीतीश राजगोपाल, नीचे यस लोकेश्वर, यस मोहन प्रसाद, लक्ष्य जैन और सी हरी निशांत, स्वप्निल सिंह और एम अश्विन, कुछ
टॉप प्लेयर्स दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने हर एक प्लेयर को काफ़ी डिटेल में देखा है और उस प्लेयर को अपने टीम में सिलेक्ट कर लिया उसका परफॉर्मेंस देखते हुए। तो यहाँ पर जिन प्लेयर्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, बाकी की जो प्लेयर्स से अगर आपको उनको डिटेल में देखना है तो आप परफेक्ट लाइनअप पर आ जाइए। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे रखा है। आपको करना क्या है, देखो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है किसी भी प्लेयर को, उसका नाम है, उसके आगे ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर सिलेक्ट जैसे ही करोगे आप तो आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें करना क्या है, देखो 10 में से 9 बार आर सुनू यादव ड्रीम टीम में रह चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो बैटिंग फर्स्ट में आर सोनू यादव का 69 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में आपको 48 का दिखाई देगा। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने है, पिछले मैच में इन्होंने 45 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे, उससे पहले 34, 14, 28, 111, 51, 81, ठीक है। इनके रिसेंट परफॉर्मेंस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर्म उनका कैसा है। उसके बाद आप उनका हिट टू हिट रिकॉर्ड देख सकते हो, यानी मदुरई की टीम के खिलाफ ये कैसा खेलते हैं। टोटल 3 मैचेस खेले आर सोनू यादव ने मदुरई की टीम के खिलाफ, जिसमें से 2 मैचेस इनकी काफ़ी अच्छी गई है। एक मैच में 81 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे, एक मैच में 92 दिए थे और एक मैच इनका फ्लॉप गया था, ठीक है। ऑन दिस वेन्यू देखोगे, वेन्यू पे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। टोटल 4 मैचेस खेल चुके जिसमें से एक मैच फ्लॉप गया था, 14 फैंटेसी पॉइंट देते, उससे पहले 60, 64 और 80, इनके 3 अच्छे मैचेस रही है। तो इस तरीके से आप हर एक प्लेयर को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो पावर रैंकिंग फीचर पर आकर। फिलहाल हमने ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स को आपके लिए निकाल के रखा है, तो उनके बेसिस पर ही हम अपनी टीम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा स्क्वाड देखना चाहते हो, हर एक प्लेयर को डिटेल में देखना है आपको, तो परफेक्ट लाइनअप पे आप आ जाइए। सिर्फ यही मैच नहीं, आप किसी भी डोमेस्टिक मैच में हर एक प्लेयर का डेटा इस तरीके से निकाल सकते हो और अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। देखो एक एडवांटेज आपके पास होगा अगर परफेक्ट लाइनअप का आप यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गेन करते जाते हो उतना ही आपकी जो टीम है उसमें एक जान आने लग जाती है, एक लॉजिकल वे में फिर वो टीम दिखने लग जाती है और फिर आप अपने ओपोनेंट को एक लॉजिकल वे में मात भी दे सकते हो। भले ही एक आध दूसरा मैच आप हार जाओ अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना विनिंग रेशियो देखोगे तो इसमें आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। तो ठीक है, परफेक्ट लाइनअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब सीधे सीधे हम चल लेते हैं जो अपनी कस्टम टीम बिल्डर की टीम है उसकी तरफ। देखो ग्रैंड लीग की अगर आप टीम्स क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर आपको क्या होता है, आप कम से कम समय में लॉजिकल वे में अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। आपके पास कुछ लॉजिक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हम देख लेते हैं आपको इनका यूज़ कैसे करना है। देखो दो ऑप्शन है, पहले तो कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर आपके पास एक सिंपल का एक एडवांस का है। एडवांस में आपको जो लॉजिक है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो हम वहीं से शुरू करते हैं अपनी टीम क्रिएट करना। आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। हम ड्रीम इलेवन के साथ जाते हैं। नीचे आपको सिलेक्शन बेसिस दिखाई दे रहे हैं, तो परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन यानी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके मिलेगी। यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाता है और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी को प्रीफर कर सकते हो टीम क्रिएट करते समय। टीम सिलेक्शन प्रेफरेंसेस, यहाँ पर 2 टीम्स से आपके सामने एनआर के मदुरई, आपको लग रहा है कि कोई टीम यहाँ पर कमज़ोर है तो आप उनके जो प्लेयर्स हैं उनका नंबर आप कम कर सकते हो। जैसे हमने मदुरई के जो प्लेयर्स हैं उनके 1 से 4 प्लेयर सेलेक्ट किए, तो मदुरई की जो टीम हमारी आगे क्रिएट होकर आएगी तो मदुरई की टीम की तरफ से सिर्फ 1 से 4 प्लेयर ही हमारी टीम में आएंगे। अगर 1 से 3 कर दोगे तो 1 से 3 ही आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो नंबर ऑफ प्लेयर्स से एक स्पेसिफिक टीम के वो कंट्रोल कर सकते हो, ये लॉजिक आपके पास होता है। फिलहाल दोनों टीमें स्ट्रांग है तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। पिक टीम फॉर्मेशन, हमने विनोन पिच रिपोर्ट देखा है, न्यूट्रल पिच है, लेकिन ये तब काम आएगा जब यहाँ पर आपको लग रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच में बॉलर्स का नंबर कम कर देना है, 1 से 2 बॉलर कर दोगे तो सारे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स आपके टीम में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है, यही वाइस वर्सा होता है। अगर आप मान लीजिए आपको बॉलिंग फ्रेंडली पिच लग रही है तो बैट्समैन का नंबर आपको कम कर देना है, 1 से 2 बैट्समैन, 1 से 3 बैट्समैन और बाकी सारे मेन बॉलर्स और ऑलराउंडर आपके टीम में फिर आ जाते हैं। तो आपको करना है, फिलहाल हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि न्यूट्रल पिच है। टीम वेरिएशन, डिफरेंट टीम्स के साथ जा सकते हो, लग रहा है कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे तो सिमिलर टीम डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ आप जा सकते हो। नीचे आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें एक डिफॉल्ट का होता है और एक आपको चूज़ कैप्टन वाइस कैप्टन यानी अपने हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर परफेक्ट लाइनअप कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन हमें सजेस्ट कर रहा है उनके साथ ही हम जाएंगे। इसमें पहला नाम आपको गुरुजतन सिंह का दिखाई देगा, उसके बाद स्वप्निल सिंह, नीतीश राजगोपाल, आर सोनू यादव और पी सरावनन, ठीक है। तो इन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप अगर और भी किसी प्लेयर को ऐड करना चाहते हो तो कस्टमाइज़ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कस्टमाइज में जाके आप और किसी प्लेयर को अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है।
चलिए फिलहाल हम किसी और प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कैप्टन से वाइस कैप्टन से के लिए डन के ऊपर क्लिक कर देते। नीचे आपको नंबर ऑफ टीम सिलेक्ट कर लेनी जितनी चाहे उतनी। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है। अब आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को क्या करना है, आपको उन्हें लॉक करना है अपने टीम में, और जो प्लेयर्स मतलब मस्ट हैव कैटेगरी के उन्हें आपको लॉक कर लेना है। जो प्लेयर आपको 50-50 लग रहे हैं या फिर सिचुएशनली इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें आपको अपने टीम में प्रेफरेंस में डाल देना है। और रिकॉर्ड वाइज अगर आपको कोई प्लेयर ऐसा लग रहा है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप उसे अपने टीम में नहीं रखना चाहते, तो उसे आप अपने टीम से एक्सक्लूड कर सकते हो। नीचे जनरेट टीम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो टीम से वो बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीम्स क्रिएट हो रही है हमारी, तो कुछ टीम्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है आप देख सकते हो। इस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में यस लोकेश्वर, जियो जितेश्वर, अरुण कार्तिक आपको दिखाई देंगे। बैटिंग सेक्शन में यस अभिषेक, ऑलराउंडर सेक्शन में स्वप्निल सिंह, आर सोनू यादव का नाम दिखाई दे रहा है। नीचे बॉलिंग सेक्शन में मुरुगन अश्विन, अरुण कृष्णा, एम पुया मोजी, एन एस हरीश और पी सरानंद का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कैप्टनसी यहाँ पर पी सरानंद को दी है और वाइस कैप्टनसी दी स्वप्निल सिंह को। आर सोनू यादव भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन एक ग्रैंड लीग की टीम से आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल लीग की जो फाइनल टीम है और ग्रैंड लीग की फाइनल टीम है आपको परफेक्ट लाइनअप पर मिलेगी। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे रखा है। नीचे चलते हैं, अगली टीम देख लेते हैं। जियो जितेश और अरुण कार्तिक विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारी टीम में रहेंगे। यल सूर्य प्रकाश बैटिंग सेक्शन में, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में आर सोनू यादव और जे कौशिक को यहाँ पर जगह दी है। और बॉलिंग सेक्शन में लक्ष्य जैन, यस मोहन प्रसाद, गुरु जपनीत सिंह, पी सरावनन, संदीप वॉरियर और बी सूर्य हमारे टीम में रहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये देख सकते हो स्टार वाला साइन है, तो वही प्लेयर्स हमारे टीम में यहाँ पर आए हैं और हमें कुछ यहाँ पर नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से आप एआई का यूज़ कर सकते हो अपने टीम्स क्रिएट करने के लिए। खास करके जो आधा घंटा होता है टॉस के बाद का, वो काफ़ी क्रुशल होगा आपके लिए, वहाँ पर आप अपने टीम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आपको लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।